हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो हम लोग करने वाले हैं, जिसमें मेंटल मैथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वैल्यू वेट क्वेश्चन और हॉट्स ये सारे हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। एक नंबर जो आपका है मेंटल मैथ, इसमें वन का वन कह दिया, फिल अप द ब्लैंक्स है। परसेंटेज इज द न्यूमरेटर फॉर फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जैसे हम अगर लिखते हैं, जैसे 3/100 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसी को 3% लिखते हैं, तो न्यूमरेटर 3 हो गया और परसेंट के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 100 लाते हैं। सेकंड, 15% ऑफ डैश इज 135, यही है क्वेश्चन। मतलब 15% किस नंबर का करेंगे कि 135 आ जाए। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि 15% ऑफ x, मतलब 15% इंटू एक्स इज इक्वल टू 135, ये होना चाहिए। तो x निकालना, तो 100 ये जाके इंटू होगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, इस प्रकार से 900 आएगा। 135 इंटू 100 बाई 15 है ना, और 15 से अगर डिवाइड करते हैं 9 को तो क्या हो जाता है, 135, 59 जो 135 होता है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 900। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 900 होगा। थर्ड नंबर, 3/4 इज इक्वल टू डैश परसेंट है, कितना परसेंट होना चाहिए, तो 3/4 इंटू 100%, मतलब कितना हो गया, 75% इज इक्वल टू 75%। इसका आंसर जो होगा वो होगा 75%। फोर का 50 पैसे इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ का डैश परसेंट जो है वो 50 पैसे, मतलब x परसेंट ऑफ 8 रुपीज़ इज इक्वल टू 50 पैसे आ रहा है कि नहीं। मतलब x बाय 100 इंटू 800 पैसे इज इक्वल टू 50 पैसे, 20 से 20 कैंसिल आ गया और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 50/8, और 2 से कट रहा, 2/4 = 8, 2 = 25 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/4 = 24 और 1%, 6 वाला नंबर 1/4%, और पॉइंट पे करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6.25%। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं है ना, या फिर 6 वाला नंबर 1/4% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5, ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इफ SP इज, अब शॉपकीपर कब प्रॉफिट अर्न करता है, जब उसका SP ज़्यादा रहता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से, तभी वो प्रॉफिट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोर या फिर ग्रेटर, दोनों का मतलब सेम होता है, आइदर यू कैन राइट मोर देन CP और ग्रेटर देन CP। 6, लॉस और प्रॉफिट परसेंट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट जो है वो किसके पे कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स जो भराएगा वो होगा क्या, कॉस्ट प्राइस। 6 के बाद 7, द एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, रिपेयरिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस। आफ्टर 7-8, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड, अगर मार्क प्राइस से जो अमाउंट को डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब MP से जो हम डिडक्ट कर रहे हैं है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट ना, जब MP से हम लोग डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं तब क्या निकलता है, SP निकलता है, तो इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। 8 का आंसर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इट विल बी डिस्काउंट, ठीक है। 8 के बाद मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अभी हम लोग देखें है ना, MP इज इक्वल टू, अगर इसको इधर लाते हैं तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP माइनस सेलिंग प्राइस। दीज डेज सेल टैक्स इज नोन एज, हालांकि अब तो ये उड़ गया है, अभी तो GST चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VAT, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स।
इस वैल्यू एडेड टैक्स के जगह पे हम लोगों का क्या यूज़ हो रहा है, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्सेस। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर टू छोड़िए, ट्रू फॉल्स, पहले ट्रू फॉल्स कर लिया जाए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। यस, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ये बिल्कुल ट्रू है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट 40%, नॉट एट ऑल। ये हम लोग एक्सरसाइज में भी हम लोग देखे थे, है ना, कि 50% प्लस 50% इज इक्वल टू 100% नहीं होता है कि नहीं, वह 100% से कम होगा। थर्ड नंबर, ओवरहेड आर ऑलवेज एडेड टू द ओरिजिनल कॉस्ट टू गेट द टोटल कॉस्ट। बिल्कुल, ओवरहेड को हम लोग कॉस्ट के साथ जोड़ते हैं ताकि टोटल कॉस्ट हम लोग देखेंगे। फोर नंबर, इफ एस पी इज लेस देन सी पी देन शॉपकीपर सफर लॉस। अगर एस पी कम है सी पी से तो शॉपकीपर को लॉस होगा, बिल्कुल। सेल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, ये भी ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्री का, थ्री होल नंबर 1/8% ऑफ 75 kg, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। थ्री होल नंबर 1/8% है ऑफ 75, 8 × 24 और 1 25 हो गया, 25 × 8, और ये परसेंट है ये भी नीचे आ गया, इंटू 75, 25 3 × 25 4 ×, अब तो नहीं डिवाइड होगा है कि नहीं, तब क्या हो गया, 25 3 × 75 हो गया और 8 4 × 32। अब इसको हम लोग करते हैं, 32 2 × 64 64 और 1 65 65 75 हो गया। देखो ये 64 में अगर 11 जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 415 715 75/32, तो टू होल नंबर 11/32 kg आ रहा है, और इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, बी, इसका आंसर 1 का B हो जाएगा, सॉरी 3 का B हो जाएगा। 4 का, टू होल नंबर 1/12% इज इक्विवेलेंट टू, टू होल नंबर 1/12%, इसको देखो 12 × 24 125 हो रहा है, 25/12, और परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, 25 4 जा, इस प्रकार से क्या आ गया, 1/12 4 जा 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 नंबर, वन होल नंबर 11/16 इज इक्विवेलेंट टू, वन होल नंबर 11/16, तो 16 × 16 और 11 को ऐड करेंगे, है ना, तो 617112/16। अब परसेंट करना है, तो परसेंट करना है मतलब क्या, 100% इज इक्वल टू 27/16 इंटू 100% और 4 4 × 16 425 ×, कितना होता है, 175, तो 175 का 5 लिखे, कैरी 17, 25 × 50 में अगर 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67/4%, और इसी को हम लोग कर लेते हैं, 4 × 4 बचा 2 27, है ना, 4 6 × 24 35, 4 8 × 32 पॉइंट, अब कितना बचा, 32 3 बचा 30, 4 7 × 28 2 25 4 5 × 35, 168.75%, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 6, 21 × 80 इज इक्विवेलेंट टू, इसको भी हम लोग परसेंटेज में दिखा रहा था, हम लोग 21/80 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू 100, 0 से 0 ये कैंसिल आउट कर दिए, 2 4 × 2 5 ×, है ना, पॉइंट में दिया होता पॉइंट में कर लेते हैं, 25 21 5 × क्या होता है, 105 होता है, तो 105/4 आया, इसको परसेंटेज में बदल देते हैं अब, है ना, ये चूंकि परसेंटेज ही हम लोग लिख रहे हैं, तो 4 2 × 8 2 × 25 4 6 × 24 2 5, तो 26.75
25% आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, और क्वेश्चन नंबर सेवन है, इफ 5% ऑफ अ नंबर इज 42 देन द नंबर इज, तो 5% ऑफ अ नंबर इज 42, तो हम लोग क्या करेंगे, 42 इंटू 100 बाई 5 20, तो 4 2 जो 2 2 जो 4 4 2 जो 8 840 होगा, सो आंसर विल बी सी 8। वॉट परसेंट ऑफ 150 इज 30, तो वॉट परसेंट पूछ रहा, तो जैसे x परसेंट किए ऑफ 150 इज इक्वल टू क्या होगा 30, x बाय 100 इंटू 150 इज इक्वल टू 30। अब देखो ये जाके 100 होगा, 150 डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया 30 इंटू 100 बाई 150, 0 से 0 ये कैंसिल आउट कर दिए, 15 टू जो 30 क्या आ गया 20, दैट मीन्स 20% होगा, 20% कौन सा है, डी नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया डी। 8 के बाद 9, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25 गिव्स 155 द नंबर इज, तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, अब इंक्रीज्ड किया गया तो एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर 155, नहीं इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू 1 प्लस 25 बाई 100 इज इक्वल टू 155, जिसको हम लोग पहले करते थे, तो 125 आया, इधर हो गया 125 बाई 100 एक्स इज इक्वल टू 155, और x इज इक्वल टू 155 इंटू 100 बाई 125, 25 5 जा 25 4 जा 25 5 3 जा 15 5 जा 5, इस प्रकार से 4 जा 4 4 3 जा 12 124 इज द ओरिजिनल नंबर, और आंसर हो जाएगा हमारा सी इसका। 9 के बाद मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नमन बाइज अ गेम फॉर ₹60 एंड सेल्स इट फॉर 75 हिज प्रॉफिट परसेंट, देखो तो बाइज कर रहा, खरीद रहा है तो कितने रुपए में खरीद रहा है, 60 रुपीज़ में खरीद रहा है, और SP कितना हो गया 75, तो प्रॉफिट कितना निकला 75 माइनस 60 इसको कितना आ गया 15। अब हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट परसेंट, अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो ये हो गया 15 बाई 60 इंटू 100, 15 4 जा 60 ये आ गया 25, इजिकल टू कितना हो गया 25%, आंसर हो जाएगा सी। 10 के बाद 11, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹680, CP दिया हुआ है कितना 680, इफ रिशभ सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 35%, अब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 35%, हमें SP निकालना है ना, और SP इज इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP, मतलब 100 प्लस 35 बाय 100 इंटू 680, तो 135, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी, 5 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जो 10 5 7 जो 35 5 2 जो और 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 3 जो 6 2 4 जो 8, इस तरह से आ गया 27 इंटू 34, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड दैट विल बी द रिजल्ट, देखो 7 4 जो 28 कैरी 2 हो गया, 7 3 जो 21 है ना, 7 3 जो 21 और 4 2 जो 8, इस प्रकार से 8 2 10 1 11 और 2 1 3 31 आ रहा है, तो 31 का 1 लिखे और 3 2 जो 6 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 918, कौन सा होगा ए नंबर होगा। 11 के बाद 12, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 675, नाउ MP दिया हुआ है, मार्क प्राइस इज गिवन 675, क्लियर है, इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 20%, देयरफॉर SP निकालना है हम लोगों को,
एस पी किस पे निकालते हैं, डिस्काउंट से माइनस करते हैं, सॉरी एम पी से माइनस करते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इनटू एम पी। 100 माइनस डिस्काउंट तो कितना हो गया 80 बाय 100 इनटू एम पी 675। 0 से 0 कैंसिल किए, 24 जा 25 जा, 5 1 जा 5 17 हो गया, 5 3 जा 15 25, 5 5 जा 25 और 135 को 4 से इनटू कर देंगे, 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 3 जा 12 13 14 कैरी 1 4 1 5, 540 जो होगा वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 540 कौन सा नंबर है, ए नंबर, ए इसका हो जाएगा आंसर। 12 के बाद 13 नंबर, ए जैकेट इज मार्क्ड एज रुपीज, एम पी दिया हुआ है, मार्क प्राइस 2590 एंड एस पी ऑफ द जैकेट 2331, देन द डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकालना है तो पहले हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल क्या होता है एम पी माइनस एस पी, एम पी 2590 माइनस 2331, देखो जीरो नहीं घटेगा, 10 किया 10 से 1 घटाएं तो 9 हो गया, यहाँ 8, 8 से 3 घटाएं 5 हो गया, 5 से 3 घटाएं 2, तो 259 आया डिस्काउंट। अब हम लोग क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डी बाय एम पी इंटू 100, तो 259 बाय 2590 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, 259 बाय 259, इस प्रकार से कितना आ गया 10%, और 10% मतलब बी नंबर इसका सॉल्यूशन है। 13 के बाद 14, नाउ मार्क प्राइस ऑफ अ शो पीस इज रुपीज 950, अगेन एम पी इज गिवन कितना 950, एस पी ऑफ द शो पीस आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 10% इज, तो डी वन दिया हुआ है 10% और डी टू भी दिया हुआ है 10%, तो हमको एस पी निकालना था, एस पी इज इक्वल टू क्या होता है, सीधा लिखते हैं 1 माइनस 10 बाय 100, 1 माइनस 10 बाय 100 इंटू एम पी मतलब 950, ये क्या हो गया 90 बाय 100 इंटू 90 बाय 100 इंटू 950, एक दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो काटे और इसको इससे कर दिए, अब 95 इंटू 9 इंटू 9 कर लेते हैं और पॉइंट बैठा देंगे तो दैट विल बी द आंसर, तो चलो 95 इंटू 9 कर लेते हैं, है ना, यहीं पे करता हूँ 95, तो 950 से हम लोग क्या करेंगे 95 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, फाइव 14 और ये हो जाएगा 8, 855 नहीं, और इसको फिर हम लोग 9 से करना है इंटू ना, तो 95 या 45 कैरी 4, 95 या 45 और 4 49, 89 या 72, 72 और 4 76, 769.50 इसका आंसर आ जाएगा 769.50, पॉइंट था है ना, एक नीचे 10 बैठा हुआ है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा और इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 769, तो ए नंबर होगा। 14 के बाद 15 और क्वेश्चन नंबर 15 है कि एस पी ऑफ अ वीडियो गेम इज रुपीज 749 इंक्लूडिंग वैट दिया हुआ है, इंक्लूडिंग वैट है ना 7% इसमें एडेड है, ओरिजिनल वीडियो गेम निकालना है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वीडियो गेम, तो लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, अब इसी में एडेड है ना
देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 प्लस वैट परसेंट बाय 100 इनटू ओरिजिनल प्राइस, यही होता है। तो यहां तो हम लोग कर दिए 749 इज इक्वल टू 107 बाय 100 इनटू एक्स। अब ये जाके 100 इनटू होगा 187 डिवाइड होगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 749 इनटू 100 बाय 107, और 107 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 7 बार में, 7 × 49 = 77। एक्स इज इक्वल टू क्या निकल गया 700। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द लीस्ट प्राइस, लिस्ट मतलब मार्क प्राइस, एमपी ऑफ आर्टिकल इज 1050। इफ 6% सेल टैक्स इज चार्ज देन द बिल अमाउंट इज, 6% चार्ज किया जा रहा है, सेल टैक्स इज 6%। तो यहां पे डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इसको एज अ हम लोग लिस्ट प्राइस जो है उसी के ऊपर डिस्काउंट लगेगा, क्या करते हैं सेल टैक्स लगेगा। तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, बिल अमाउंट तो ये ऐड हो जाएगा, हम लोग सीधा से करेंगे 100 प्लस 6 बाय 100 इंटू 1050 इज इक्वल टू 186 बाय 100 इंटू 1050। 0 से 0 ये कैंसिल किए, है ना, 5 से 5 टू जै 10, 5 वन जै 5, 5 टू जै 10, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 जै 10, 2 3 जै 6, 53 इंटू 21। तो 3 वन जै 3, 3 टू जै 6, और 5 वन जै 5, 6 5 11, कैरी 1, 5 टू जै 10, 10 वन 11। इस प्रकार से इसका आ जाएगा 1113, मतलब कौन सा, बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड। और पहला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 500, 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, दैट इज 60%। 30% स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने वाले 30% है, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर तो टोटल कितना होगा, 100% होगा, 100% मतलब 500 के बराबर, तो 100% माइनस कर देते हैं 60 प्लस 30, ये परसेंट होगा, है ना। तो 100 में से हम लोग 60 प्लस 30 को माइनस कर देंगे, दैट इज 100 माइनस 90, ये परसेंट होगा, दैट इक्वल्स टू कितना, 10%। तो 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। सेकंड नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 60%, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 60 बाय 100 इंटू 500, मतलब 60% ऑफ 500 कितने हो गए, 6530, दैट इक्वल्स टू 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सेकंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 30 बाय 100 इंटू 500, दैट इक्वल्स टू 150, और 10% निकालते हैं तो क्या हो जाता, 50, तो 50, 150, 200 एंड 300, 500 हो जाता। इस प्रकार से फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। अब क्या कह रहा है, इज रीडिंग न्यूज़पेपर अ गुड हैबिट, यस एब्सोल्युटली इट इज अ गुड हैबिट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर,
सो ये क्या होगा, इट इन रीचेस आवर नॉलेज एंड एट द सेम टाइम वोकैबुलरी ऑल्सो. तो करंट अफेयर्स के बारे में हम लोगों को नॉलेज देता है और साथ ही साथ हमारी जो शब्दकोश है, जो शब्द भंडार है, वो भी काफी इनरीच होता है ना. सेकंड नंबर, इन एन एग्जाम एटलीस्ट 35% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम. तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 35%. ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, पासिंग मार्क्स 35 है required to pass the exam. Ramesh uses unfair means and tries to pass the exam but fails by 15 marks and scored 160. So Ramesh scores kitna aaya, 160, failed by 15 marks se wo failed ho jata. Iska matlab agar wo 15 marks aur le aata to wo pass ho jata. Therefore passing marks kitna ho jayega, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 160 और प्लस 15 को ऐड कर देंगे, दैट इक्वल्स टू 175. अगर वो 175 ले आता तो ही वुड हैव पास्ड एंड गॉट 35%, लेकिन वो नहीं ला पाया है ना. तो लिखेंगे लेट द टोटल मार्क्स, हम लोग को यहाँ पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स भी 100, सॉरी लेट द मैक्सिमम मार्क्स भी एक्स कर लेते हैं, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स. Therefore, 35% of x टोटल मार्क्स का जो है 35% करेंगे तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर होगा, दैट इक्वल्स टू 175. बस इसी को हम लोग सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द रिजल्ट. दैट मीन्स 35/100 इंटू एक्स दैट इक्वल्स टू 175 और x इज इक्वल टू 175 इंटू 100 बाई 35. 5 से कट जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल कितना आ गया 500 है ना. 5 5 25 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, तो 500 टोटल मार्क्स हो गया. देयरफॉर मैक्सिमम मार्क्स इज 500. इज यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम इज गुड, नो. व्हाई शुड वी नॉट यूज अनफेयर मीन्स, unfair means using an exam can get through such exams but it hampers one's moral character. 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 One will never success in real life challenges where such unfair means doesn't exist. Next question number. तो हमने क्या लिखा कि नो अनफेयर मीन्स यूजिंग एन एग्जाम. तो ये अनफेयर मीन्स जो है वो बिल्कुल सही नहीं है. अगर अनफेयर मीन्स से हम लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो मे बी वी कैन गेट थ्रू दैट है ना, उस एग्जाम से भले हम पास हो जाए लेकिन हमारा मोरल कैरेक्टर हैम्पर हो जाता है ना, ऑनेस्टी. और सबसे बड़ा बात है कि वी लैक इवन इन स्टडीज ऑल्सो, तब हमें इस चीज़ की आदत हो जाएगी. और एट द फाइनल स्टेज जब हम लोगों को रियल लाइफ चैलेंजेस, वेन वी गो फॉर जॉब्स और opportunity at that time these type of unfair means doesn't exist there, और वहाँ पर हम लोग fail हो जाएंगे because we don't acquire such knowledge.
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. अ शॉपकीपर वॉज इन्वॉल्व इन टैक्स इवेशन. अब वो टैक्स चोरी करता है. टू सेव सेल टैक्स ही नेवर गिव रिसिप्ट टू हिज कस्टमर्स. कस्टमर को रिसिप्ट ही नहीं देता है. और ऐसे भी आप लोग भी बहुत सारे ऐसे खरीदारी करते हैं जहाँ पे रिसिप्ट नहीं लेते हैं और वो टैक्स जोड़ लेता है और वो सारा का सारा टैक्स वो अपनी जेब में रख लेता है. दैट शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए था लेकिन वो अपने जेब भर लेता है. ही सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 550 इंक्लूडिंग वैट. तो यहाँ पे जो है बिलिंग अमाउंट दिया हुआ है. इज 550 और उसमें वैट एडेड है दैट इज 10%. फाइंड द अमाउंट ऑफ वैट. वैट कितना लगा वो निकालना है. नॉट पेड बाई हिम टू द गवर्नमेंट. जो कि वो गवर्नमेंट को नहीं दिया. इज टैक्स इवेशन करेक्ट. वाई शुड वी पे टैक्स. वॉट मेजर शुड वी अडॉप्ट टू स्टॉप टैक्स इवेशन. ओके तो लिखते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस बिफोर वैट बी एक्स. अब इसी पे हम लोगों को ऐड करना पड़ता है तो क्या हो जाता है 100 प्लस वैट परसेंट बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 550 और एक्स इज इक्वल टू 550 इंटू 100 बाय 110 क्योंकि 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 आएगा. 0 से 0 ये 5 क्या निकल गया. x इज इक्वल टू 500 देयर फोर वैट कितना हो गया 550 माइनस 500 दैट इक्वल्स टू रुपीज 50 है ना. तो क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वैट नॉट गिवन नॉट पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट. देयर फोर अमाउंट ऑफ वैट नॉट पेड बाय हिम paid by him to the government is equal to rupees 50. अब जो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस है उसको देखेंगे. मॉरल बेस्ड क्वेश्चंस. फाइंड द अमाउंट वैट नॉट इंक्लूडेड. इज टैक्स इवेशन करेक्ट. नो टैक्स इवेशन इज कंप्लीटली इलीगल. Completely illegal. Completely illegal. Why should we pay taxes? हम लोग टैक्स पे क्या करते हैं. We pay taxes so that government utilize this fund for public welfare. Like construction of road or electricity. Hana. What measures should we adopt to stop taxes? Agar tax ko rokna hai, toh we must ask for receipt. Against any purchase we make. जो भी हम लोग purchase करते हैं उसके एवज में है ना उसके अगेंस्ट में we must ask a receipt of the same. है ना. और जैसे receipt होगा तो बकायदा वो original paper पर होना चाहिए. यह नहीं कि एक सादा से कागज पर लिख दिया that is not a receipt. है ना. रिसिप्ट में बकायदा उस दुकान का नाम रहता है वो सारा कुछ. और जब भी ऑडिट्स होते हैं ना तो उस अकाउंट को चेक किया जाता है वो बिल रिसिप्ट वगैरह चेक किया जाता है और उससे क्या हो जाती है पकड़ में आ जाती है. और अगर रिसिप्ट ही नहीं दिए तो जब खरीदते हैं वो पैसा नहीं आया रिसिप्ट नहीं आया तो फिर कहीं अकाउंट्स नहीं मिलता. और ऐसे में बहुत सारा रकम जो है ना वो इलीगल वे से दुकानदार अपने पास रख लेता है. तो वी मस्ट आस्क अ रिसिप्ट अगेंस्ट एनी परचेज. अब आते हैं हॉट्स. हॉट्स का सवाल है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल. मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एमपी इज गिवन 2860.
एंड द रेट ऑफ वैट इज 8%। चलो वैट भी दिया हुआ 8%। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 20%। स्टिल ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ यू स्पेंड 4% ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस 4% है। देन फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड फाइनल सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट। ये सारा कुछ निकाला। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एमपी दिया हुआ है ना, तो एमपी से हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो हम लोग का निकलता है सेलिंग प्राइस। मतलब क्या हो गया, एमपी निकाले उससे हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करते हैं तब हम लोग को निकलता है सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करके प्रॉफिट वगैरह देखते हैं। और कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस को। तो फाइनल जो सीपी ये एसपी आया है ना, और इस एसपी पे हम लोग क्या करते हैं, वैट को ऐड करते हैं, क्योंकि वैट जो है वह कस्टमर को पे करना पड़ता है, ठीक है, ना कि इसको पे करना पड़ता है सेलर को। तो कस्टमर पे करता है तो वो ना कि सेलर के पास भी नहीं आता, ये सीधा गवर्नमेंट को जाता है। तो वैट का लेने देना क्या है, सिंपल जो एसपी अमाउंट है, सेलिंग प्राइस अमाउंट है, उस पर हम लोग वैट को ऐड करते हैं, और दैट विल बी हिज एक्चुअल सेलिंग प्राइस, है ना, वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वैट को ऐड करने के बाद, और वो कस्टमर को पे करना रहता है, और ये वैट सीधा चला जाता है गवर्नमेंट के पास, और जो सेलिंग प्राइस है वो चला जाता है दुकानदार के पास। तो चलिए इसको करते हैं, एम पी इज इक्वल टू 2860, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है 20%, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू 2860। तो 100 माइनस 20 बाय 100 इंटू 2860 कितना आ गया 80/100 2860 जीरो जीरो काट है, ये काट दिए। इस प्रकार से 8 6 48 कैरी 4, 8 8 64 और 4 68 कैरी 6, 8 2 16 16 और 6 हो गया 22। इतना रुपीज़ निकला सेलिंग प्राइस। ये तो सेलिंग प्राइस है ना, इसी दाम पर वो बेचेगा और इसी के ऊपर वैट लगेगा, क्लियर है। अब इसका हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ये तो इस दर पे बेच रहा है दुकानदार, इस दर पे बेच रहा है, ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। नाउ लेट सी पी बी एक्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस लग रहा है इसके ऊपर, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं 4% ऑफ एक्स, देयरफॉर एक्चुअल सीपी क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया एक्स प्लस 4% ऑफ एक्स, नहीं, देयरफॉर एक्स प्लस 4/100 एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 104 एक्स बाय 100। क्लियर है यहां तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कर लेता हूं, है ना। अब क्या दिया हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है इसका 10%। तो हम लोगों को सी पी निकालना है। देखो सी पी इज इक्वल टू क्या होता है, तो एस पी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा आया 2288 इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 110। जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, देखो 11 2 जै 22, और गलती से मत लिख देना 11 8 जै 88, है ना, एक जीरो पुट करेंगे और 8, इस प्रकार से आया 208 और यहाँ पे एक जीरो है, तो ये आया 2080, है ना। तो 104 एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 2080। हमको क्या निकालना है, एक्चुअल सीपी निकालना है, ये एक्स को निकालना है, है ना। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2080 इंटू 100 बाय 104, 4 2 जै 8 20, देयरफॉर 2000। देयरफॉर एक्चुअल सीपी जो हो गया वो
एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का था 2000, ठीक है, और जिसके ऊपर 80 रुपीज़ क्या होगा कि ओवरहेड एक्सपेंसेस हुआ। ओवरहेड एक्सपेंसेस होने के साथ उसको जो है हम लोग देखें कि ये जो है ये कॉस्ट को पकड़ा गया, और उसके बाद क्या हो गया कि एमपी हम लोग किया 2860, ठीक है, और डिस्काउंट दिया 20%, तब जाकर सेलिंग प्राइस हमारा निकला उतना। अब क्या है कि वैट लग रहा है, तो वैट का हम लोग निकालेंगे, यहाँ तक हो गया ये। वैट निकालने के बाद एक्चुअल एसपी निकालेंगे। नाउ वैट इज इक्वल टू, वैट किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, ये था सेलिंग प्राइस 2288, तो वैट है कितना, वैट इज 8%, देयरफॉर 8% ऑफ 2288, देयरफॉर 8/100 इनटू 2288। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग निकाल देते हैं। 88 जा 64, कैरी 6, 88 जा 64 और 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, है ना, कैरी 7, 82 जा 16 और 7, 7 6 4 10 3, तो 23 हो गया, 82 जा 16 16 17 18, और बाय 100 हो रहा है तो ये आ जाएगा 183.04। देयरफॉर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यहाँ पे बोला ना फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस, देयरफॉर फाइनल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2288 में हम लोग 183.04 को 183.04 को ऐड कर देंगे, तो ये 04 तो ऐसे ही आ जाएगा, 0.8311, है ना, कैरी 1, 88 16 117, कैरी 1, 213 14, और ये हो गया 2, तो 2471.04 रुपीज़ जो है ये हो जाएगा फाइनल सेलिंग प्राइस, और एक्चुअल जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा रुपीज़ 2000। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चेक योर प्रोग्रेस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।